हेलो एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग वेल। कैसे हो आप सभी गाइस? मैं भी ठीक हूँ, आई होप आप सभी भी ठीक होंगे। सो गाइस, ये मेरा सेकंड ब्लॉग है। आई होप जो मैं फर्स्ट ब्लॉग डाला है उसको आपने बहुत सारा प्यार दिया एंड आगे भी ऐसे ही प्यार दोगे। तो गाइस, ये मेरा सेकंड ब्लॉग है एंड अभी टाइम हो रहा है 3-4 बजे के आसपास। सो अभी एक्चुअली मुझे मैंने बैंगल्स बाय की थी मीशो से। एक्चुअली वो कोलेबोरेशन हो था मेरा, तो मुझे ऐसे लगा कि मेरे साथ काफ़ी सारी गर्ल्स एंड लेडीज़ जो है वो साथ में हैं, तो उनके लिए एक हेल्प हो जाएगी। एंड कल को जैसे करवा चौथ आ रहा है या किसी को अपने फ्रेंड सर्कल को कोई एज अ गिफ्ट दे सकता है, उसमें मतलब एक कड़े हैं एंड बैंगल्स हैं। तो बैंगल्स जो है वो कांच की हैं, उस पर वेलवेट की फ़र लगी हुई है, लेकिन मतलब कलेक्शन काफ़ी अच्छी है, मुझे काफ़ी पसंद है क्योंकि मैं डेली बेसिस पे ये सारी चीज़ें वियर नहीं करती हूँ। तो मुझे लगा आपके लिए भी एक हेल्प हो पाए। आपको पता है कि हम सभी का मतलब फेवरेट है मतलब मीशो। मैं तो काफ़ी सारी शॉपिंग मीशो से ही करती हूँ, तो मुझे मैंने ये अपनी पसंद की बैंगल्स ली हुई हैं। तो जो हॉल मैं अभी आपके साथ शेयर करूँगी, मतलब आप के लिए भी एक हेल्प हो जाएगी क्योंकि हम लेडीज़ होते हैं, कई लेडीज़ डेली बेसिस पे भी डालने रखती हैं बैंगल्स एंड बीच में नहीं, जैसे हम मैं तो नहीं डाल के रखती। तो मुझे ऐसा था कि हाँ, जैसे कोई फंक्शंस वगैरह भी आगे करवा चौथ भी आ रहा है और जैसे आगे पार्टीज़ या ना वेडिंग्स वगैरह, तो उसमें भी आप सभी को मतलब एक हेल्प मिल जाएगी। तो मैंने सोचा क्यों ना मतलब एक ऐसा ब्लॉग शेयर किया जाए जो कि आपके लिए भी हेल्पफुल हो और मेरे लिए भी। बस गाइस, ऐसे ही मेरे ब्लॉग के साथ बने रहना है, लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर पक्का करना, क्योंकि आप जितना ज़्यादा मुझे मोटिवेट करोगे तो उतना ज़्यादा और बेस्ट करने में मेरी हेल्प होगी गाइस। और एक बात कि अभी मैं हर एक चीज़ सीख रही हूँ, सो प्लीज़ मुझे जज मत करना कि ये चीज़ ऐसे होनी थी या ऐसे बना दी, क्योंकि मैं अभी स्टार्टिंग है मेरी, मुझे काफ़ी सारी चीज़ों का पता नहीं चल रहा है। लेकिन होप्स हो कि आगे सब कुछ ठीक हो जाए, मैं अपनी तरफ से 101% देने की कोशिश कर रही हूँ जितना हो पाएगा। एंड आप मेरे ब्लॉग को जितना ज़्यादा प्यार दोगे एंड सपोर्ट करोगे, मैं हो सकता है वैसे ही बेस्ट ऑफ बेस्ट जो है ब्लॉग्स लेके आऊँगी जो हेल्पफुल होंगे एज अ लेडीज़ के लिए। क्योंकि काफ़ी सारे DMs आते हैं दी, मतलब आप अपना डेली रूटीन शेयर करो, स्किन केयर रूटीन शेयर करो, है ना, काफ़ी सारी चीज़ें मतलब। तो अगर मुझे लगेगा कि हाँ मेरे लिए हेल्प हो रही है और आप लोग मुझे सपोर्ट कर रहे हो, तो मैं वो डेली बेसिक्स पे भी वो चीज़ें लाने की कोशिश करूँगी। सो गाइस, ये थी मीशो की बैंगल्स जो मैं आपके साथ शेयर कर रही थी, जो कि कांच की और उस पर फर लगी हुई है वेलवेट की। इनकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, कलर भी काफ़ी अच्छा है, मतलब मैक्सिमम अगर हम इसको मिक्स एंड मैच करके भी वेयर करेंगे तब भी अच्छा लगेगा एंड सिंगल सिंगल वेयर करेंगे तब भी। तो साथ में ये थे कड़े जो मेटल के हैं, ये और ये भी कांच के हैं, वैसे ये मेटल के नहीं हैं जो गोल्ड वाले हैं। एंड इनकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी थी एंड ये रेड वाले तो मुझे पर्सनली इतने अच्छे लगे, मतलब लाइट वेट और क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी थी। तो गाइस, यहाँ पे मैं शेयर कर रही हूँ कि कैसे आपको पहन के बताऊँगी कि कैसी लग रही है ये बैंगल्स। तो चलो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट देखो, मैंने हाथ में कुछ नहीं डाला, कितना बुरा सा लग रहा है ना। देन मैंने फर्स्ट ये गोल्डन वाली ट्राई की, मैंने पहले इनको ओपन करके नहीं देखा था, मैंने आपके सामने मतलब इनको ओपन किया है। सो ये 4 सेट थे, मतलब आप 2-2 पिक के पेयर में भी डाल सकते हो, लेकिन मुझे अभी आप लोगों को दिखाना था तो मुझे सिर्फ मैंने चारों ही एक साथ डाल लिए। और मुझे इनकी क्वालिटी इतनी अच्छी लग रही थी ना, मुझे इतना ज़्यादा पसंद आया कि क्या बताऊँ, मतलब बहुत ज़्यादा पसंद आए मुझे ये। तो मैंने ये आपको डाल के बताया, मतलब 2-4 कप आता है मुझे ना सेट, जो मेरा साइज़ है, तो मुझे इतने अच्छे लग रहे थे। और पहने हुए भी अगर मतलब मैं दूसरे हाथ में भी डाल लेती तब भी अच्छा लगना था, लेकिन मुझे ऐसा आपको बताना था कि इनकी क्वालिटी कैसी है, देखने में कैसे हैं। सो एंड सेकंड वन इज़ ये थे जो रेड कलर के थे, मुझे इतने अच्छे लग रहे थे क्योंकि मैंने लाइट कलर का सूट वेयर किया था ना, तो उसके साथ ब्राइट कलर काफ़ी अच्छा चढ़ के आ रहा था। तो सोचो कि ये कितना अच्छा लग रहा है, आप भी बताना गाइस आपको कैसा लग रहा था। मुझे मतलब पर्सनली अगर एक एक भी अगर इसको डाल के रखोगे ना तब भी मतलब घर पे भी काफ़ी अच्छा लगेगा, और ऐसे भी आपकी मतलब कुर्ता सेट के साथ एंड एथनिक वेयर के साथ भी, ड्रेसेस के साथ भी काफ़ी अच्छा चलेगा अगर आप मतलब कॉम्बिनेशन बना के वेयर करोगे। एंड ये थी वो फर वाली बैंगल्स जो मैं आपको बता रही थी, कांच की हैं गाइस, मतलब क्वालिटी भी अच्छी है, ऐसा नहीं है कि कांच जो है वो टूट जाएगा, ये बैंगल टूट जाएगी, ऐसा कुछ नहीं था, काफ़ी अच्छी थी। मतलब आप दोनों
हाथों पे भी इसको कर सकते हो वियर, लेकिन मुझे मैंने अभी आपको एज अ बताना था तो मैंने सिर्फ एक हाथ पे ही आपको बता रही थी, क्योंकि मुझे इतनी अच्छी, और मुझे ऐसा लग रहा था यहाँ पे कि कहीं गिर ना जाए या टूट ना जाए, क्योंकि मैं अभी बना ही रही थी जस्ट वीडियो। तो मैंने एक एक करके पहन के देखा है, फाइनल लुक का आपको ये बता दी कि कैसे लग रही थी। आप भी बताओ गाइस, आपको कैसे लग रहा है? मुझे तो काफ़ी अच्छी लग रही थी, मतलब ना इसको हाफ ये बीच में मिक्स एंड मैच करके भी डालेंगे तो काफ़ी अच्छा लगेगा, क्योंकि एक बार अगर रेगुलर नहीं आप डाल रहे हो तो ये ख़राब भी नहीं होंगी मेरे आइडिया से, क्योंकि डेली बेसिस पे तो लड़कियां डालती भी नहीं है या लेडीज़ भी, तो ये बेस्ट है, बेस्ट फॉर करवा चौथ, मैं तो ये बोलूँगी। मुझे काफ़ी अच्छी लगी मतलब ये ना। एंड सेकेंड वन इज़ ये गाइस जो ब्रिंजल कलर की, और काफ़ी अच्छी बैंगनी कलर आ रहा है इसका, कलर भी इतना अच्छा यूनिक सा कलर है, मुझे ये कलर काफ़ी अच्छा लगता है, क्योंकि ड्रेसेस के साथ भी काफ़ी अच्छा, क्योंकि ब्राइट कलर है, ब्राइट कलर मैक्सिमम सभी को ही पसंद होंगे, और काफ़ी अच्छा था इसका, मतलब ये मेरे से खुल नहीं रहा था इजीली, कोशिश कर रही थी, फिर मैंने थोड़ा पॉज किया वीडियो को, देन इसको ओपन किया। मुझे ये था कि बस, क्योंकि मैं फ़र्स्ट टाइम इसको वो अनबॉक्स कर रही थी, आपके सामने बता रही थी, तो कहीं ब्रेक ना हो जाए, टूट ना जाए, मुझे वो था। सो मैंने इसको पहले अच्छे से ओपन कर लिया, क्योंकि हाथों में प्रॉपरली आ नहीं रही थी ना, गिरने का भी डर था इनका, कहीं गिर ना जाए या कुछ। सो ये थोड़ी मुझे, मतलब अगर बताऊँ रेड कलर के अकॉर्डिंग, तो मुझे थोड़ी कम बैंगल्स लगी। आप बताओ, आपको भी ऐसा लग रहा है क्या? मुझे थोड़ी कम लगी, और मुझे ये था कि कहीं गिर ना जाए, टूट ना जाए, क्योंकि एक तो थोड़ी कम यूज़ की थी, लेकिन मेरे पास ऐसा सेट था, अगर कम होगी तो मैं उसके साथ वेयर कर लूँगी। सो इसको डाल के फाइनल लुक ऐसा आ रहा था, मैंने हाफ़ डाल के बताई थी, एंड हाफ ही है। आप भी बताना आपको कैसी लग रही है। बस मैं बस इनको डाल के इमेजिन कर रही थी कि अभी बस करवा चौथ भी आ रहा है ना, सो कुछ ऐसी लुक होगी, क्योंकि एक ही दिन का वेयर तो होता है लेडीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा। बताओ आपको कैसा लग रहा है, कलर भी कितना अच्छा लग रहा है, ऐसे ब्लैक का टच भी आ रहा है, और पास आके देखो तो उसका ओरिजिनल कलर दिख रहा है। थर्ड वन ये था गाइस ग्रीन कलर, जो कि मुझे इतना अच्छा लगा, ये कलर बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था इसको, क्योंकि मैं आप सभी के पहले मैंने री ओपन नहीं किया था ना इसको, तो फिर मैं सामने आपके री ओपन कर रही हूँ इसको। मुझे बस ये था कि बस जो भी अगर खुद से बाय की, मैं वही चीज़ गाइस ज़्यादा कोलैबोरेशन में भी प्रेफर करती हूँ, जो कि मैं बाद में यूज़ कर सकूँ। सो मुझे ये कलर ज़्यादा यूनिक से लगे, तो मैंने यही कलर किए, क्योंकि इसमें अगर मैंने कोई अगर सेट भी बनाना हो अगर किसी ड्रेस के साथ, तो मैं इसको मिक्स एंड मैच कर लूँगी। और इसकी मतलब जो इसकी कांच थी ना, उसकी ना वैल्यू भी काफ़ी अच्छी थी, मतलब अच्छा कांच था, और देखो फर भी मतलब कितने अच्छे से मतलब दिख रही है, ऐसा नहीं है कि मतलब अच्छी क्वालिटी अच्छी नहीं, इसकी क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा अच्छी थी। मैं तो बोलूँगी कि आप भी एक सेट बाय करके देखना गाइस, और देखो पहनते हुए भी आपको दिख रहा होगा कि मतलब इसकी क्वालिटी कितनी अच्छी है, और मतलब आवाज़ भी इतनी ज़्यादा नहीं थी, क्योंकि वेलवेट की फ़र ऊपर ज़्यादा लगी हुई है ना उसकी वजह से, तो कांच की जैसे आवाज़ आती है वैसा कुछ नहीं था, एंड क्वालिटी भी इसकी काफ़ी ज़्यादा अच्छी थी। देखो गाइस कैसा लग रहा है, मुझे तो काफ़ी ज़्यादा पसंद है, मैं तो बार बार कैमरे की तरफ ही देखी जा रही थी कि कैसी लग रही है कैसी नहीं। नेल पेंट नहीं लगाया, क्योंकि सडन मैंने सोचा कि क्यों ना एक मीशो होल बैंगल्स होल बना लिया जाए। सो आप बताना गाइस आपको कैसा लग रहा है। सो गाइस लास्ट बट नॉट लीस्ट, ये कलर मेरा फेवरेट है, मुझे मतलब बैंगल्स में ये कलर काफ़ी अच्छा लगता है, अगर इसमें अगर रेड कलर की बैंगल्स अगर ऐड कर दोगे ना, तो कितना अच्छा लगेगा कुछ वैसा कॉम्बिनेशन बना के, या ब्लू कलर डाल के ना। सो ये था मुझे कि कोई ड्रेस होगी तो मैं वैसे कॉम्बिनेशन करके इनके साथ मतलब बनाऊंगी सेट, मतलब डिफरेंट सा। सो ये हाथों में नहीं आ रहे थे प्रॉपरली, क्योंकि ज़्यादा बैंगल्स थी ना इसमें, तो मैंने फिर वैसे वन बाय वन करके, कि मुझे ऐसा लग रहा था गिर गई कोई बैंगल नीचे। सो ऐसा कुछ नहीं था, बाकी क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी थी, मुझे काफ़ी अच्छा लगा गाइस। मीशो बैंगल्स होल के अलावा क्लोथ का या कोई भी चीज़ लेने के लिए बेस्ट है, मीशो पे आपको अफोर्डेबल प्राइस पे काफ़ी अच्छी चीज़ें मिल जाती हैं। यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा था जैसे टाइट है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था, क्योंकि बैंगल्स ज़्यादा थी तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा वेयर करने की कोशिश कर रही थी, तो मुझे ये था कहीं टूट ना जाए हाथों में, लेकिन ये था कि क्वालिटी इनकी अच्छी थी तो ये ब्रेक नहीं हुई ना। आप बताओ आपको कैसी लग रही है ये लुक। मैंने इसी के मतलब बैंगल्स के लिए लाइट कलर का सूट लगाया था, क्योंकि आपको प्रॉपर पता चले कि मतलब अगर आप डार्क कलर पे ज़्यादा डार्क लगा लोगे तो फिर वो ओवर ही लगता है। सो आप बताना फाइनल लुक।
कि आपको कैसा लग रहा है। मुझे तो काफ़ी पसंद आया। सो आ किसी ने लेनी होगी गाइस तो मुझे DM कर सकता है, मैं आपको बता दूंगी कि कितने में आप मिली और कौन सी ऐप से और कौन सा लिंक है इसका। सो गाइस, कैसा लगा आपको मेरा मीशो हॉल, मुझे कमेंट करके पक्का बताना कि आपको मेरी वीडियोस कैसी लगती हैं। और गाइस हाँ, मतलब लाइक कमेंट एंड शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। एंड आपको जो भी चीज़ मेरे ब्लॉग में अच्छी लगी हो तो नीचे कमेंट कर देना, ठीक है। बाय, थैंक यू।